तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, यूपीटेट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्त, आपको अपने मोबाइल फोन में अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। इस समय दोस्त, अगर आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो देखिए दोस्तों, सर्विस अनअवेलेबल करके कुछ मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो गाइस, कैसे इस मैसेज के शो होने के बावजूद भी आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक और दोस्तों, बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, डीएलएड छात्रों के लिए नोटिस जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की बैक है, जो बच्चे फेल है, उनके लिए दोस्तों ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। एक और दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है बीएड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बीएड में क्या मामला है, उस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस अपडेट को जरा देखिए, यूपीटेट 2021, इस विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष का परिणाम नहीं हुआ जारी, टीईटी से वंचित हो सकते हैं हजारों की संख्या में अभ्यर्थी। जानिए दोस्तों क्या है मामला। तो गाइस, बिना रिजल्ट के देखिए काम नहीं बनेगा। इस समय दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, जो डीएलएड छात्रों के लिए नोटिस जारी हुई है ना, चलिए नोटिस को हम देखेंगे, लेकिन आपको पहले हम बता दें, हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग यूपीटेट का एडमिट कार्ड सबसे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। बस देखिए, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, होता है कि भैया कुछ एरर मैसेज शो हो जाता है, तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मली फिल करना है, उसके बाद जहां पर दोस्तों लिखा रहता है वन टाइम पासवर्ड, तो दोस्तों वहां पर आपको वो ओटीपी नहीं भरना होता जो आपके मोबाइल पर आया होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने जो भी फाइनल अपना पासवर्ड क्रिएट किया हो, ठीक है, जब आप यूपीटेट का फॉर्म भरे होंगे या फाइनल प्रिंट आउट किए होंगे, तो भैया आपने एक यूपीटेट के लिए मतलब आपने एक पासवर्ड बनाया होगा, उस पासवर्ड को वहां पर डालना है। तो मतलब पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा वैल्यू फिल करके लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल दोनों का अलग अलग एडमिट कार्ड शो होने लगेगा, और जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी सीधे पीडीएफ में डाउनलोड होगी। ठीक है, ये बढ़िया बात होती है कि पीडीएफ में डाउनलोड होगी, तो आप साइबर कैफे जाएंगे, अपना तुरंत ही प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले एक और बड़ी अपडेट की, जूनियर शिक्षक भर्ती बड़ा घोटाला। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को रखेंगे क्योंकि नए शिक्षक भर्ती की भी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर भर्ती में घोटाला हो जाए, मतलब कम पढ़ने वाले छात्र टॉप कर जाए, तब दोस्तों क्या होगा? आपके मन में एक सवाल होगा कि जो बच्चे कम पढ़ते हैं वो टॉपर बन जाते हैं, जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं उनका क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है दोस्तों कि कुछ बच्चों की भैया जुगाड़ लग जाता, सिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको बता दें, जूनियर शिक्षक भर्ती को दोस्तों रद्द करने की मांग लगातार जारी है। बच्चे दोस्तों मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराया जाए, इस बात को भी जरा ध्यान रखिए, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही। एक और बात दोस्तों आपके सामने रखते हैं, क्या बैक पेपर छात्र यूपीटेट परीक्षा नहीं दे पाएंगे? छोटी सी गलती और परीक्षा से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कुछ बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते जिसकी वजह से वो भैया सीधे पेपर से बाहर हो जाते हैं। उस अपडेट को देखेंगे, पहले डीएलएड छात्रों के लिए क्या नोटिस आई उसको देखते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019-23 सेमेस्टर उत्तीर्ण कर चुके, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हेतु अर्हता अभ्यर्थियों को अंक पत्र सत्यापित या वेरीफाई करने के विषय में दोस्तों एक नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो आपका रिजल्ट था सेकेंड सेमेस्टर का, जो डीएलएड का घोषित हुआ 2019 बैच का, उसको आपको प्रमाणित कराना पड़ेगा। ये दोस्तों क्यों होता है पहले आपको बता दें, यूपीटेट का दोस्तों वह पेपर वही दे सकता है जो मतलब फाइनल ईयर के या तो छात्र होने चाहिए, या तो दोस्तों कम से कम आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। कम से कम क्या, तो ज्यादा से ज्यादा हो गया, लेकिन जरा इसको समझिए आप लोग। होता क्या है ना कि मान लेते दोस्तों, आपकी एक विषय में बैक लगी है, आप 2019 या सेकंड सेमेस्टर के छात्र थे, आपकी एक विषय में बैक लग गई, ठीक है, और आप क्या कर लेते हैं, अपना रिजल्ट एडिट कर देते हैं। एडिट में दोस्तों नीचे आप पास शो कर देंगे, ठीक है, आपने एक नकली रिजल्ट तो बना लिया, ठीक है, ये काम करना तो बहुत ही आसान है। रिजल्ट में दोस्तों फेल से आपने पास कर लिया, लेकिन जब दोस्तों आप उसी रिजल्ट को अटेस्ट कराने अपने कॉलेज में जाएंगे, तब उस रिजल्ट को अटेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों जिन बच्चों की बैक है, फेल छात्र, वो पेपर से बाहर हो जाते हैं। लेकिन एक बात और आपको क्लियर कर दें, देखिए दोस्तों, अगर अटेस्ट, ठीक है, अटेस्ट अगर आप नहीं भी कराते, देखिए अभी आप लोग पेपर देने जाएंगे तो देखिए कुछ हो सकता है कि सेंटर ऐसे हो जहां बहुत सख्ती से इस नियम का पालन किया जा रहा हो, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होगा जहां पर दोस्तों बच्चे सिर्फ मतलब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट तो डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन अटेस्ट कराना भूल जाएंगे, तब भी उनको पेपर देने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये पूरा रिस्क पर होता है, अगर भैया आपके एग्जामिनर सख्त हो जाए, अगर दोस्त आपको एंट्री ना दी जाए, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, वहां रूल लिखा है क्या क्या दोस्तों आपको लेकर जाना, जरा ध्यान रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज,
नंबर वन पर आपका एडमिट कार्ड, बिना एडमिट कार्ड के तो पहले आप परीक्षा केंद्र ही नहीं पहुंच पाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। दूसरा दोस्तों आपके भैया मार्कशीट होनी चाहिए, इंटरनेट के अगर आपके दोस्तों रिजल्ट है तो उसको अटेस्ट कराना जरूरी है। तीसरा दोस्तों आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, फोटो युक्त, मतलब जिसमें आपकी फोटो भी लगी हो, ऐसा ना हो दोस्तों ऐसी आईडी प्रूफ आप लेके जा रहे हो जहां पर आपकी फोटो ही ना हो, तब दोस्तों आपको कैसे मतलब वेरीफाई किया जाएगा, ये दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये दोस्तों तीन चीजें, अगर इनमें से आप एक भी चीज भूल गए तो हो सकता है कि आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी सख्ती बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है और कभी कभी सेंटर बिल्कुल ढीला ढला हुआ, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा ढीला होता है कि कुछ बच्चे ऐसे ही पहुंच जा रहे हैं और कुछ बच्चे बात भी कर रहे हैं। डीएलएड का आपने देखिए पेपर दिया है या बीएड का आपने पेपर दिया होगा तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि पेपर होता कैसे है, कितनी सख्ती होती है, कितनी कड़ाई होती है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग यूपी टेट का पेपर देने जाएंगे तो आपके साथ शिक्षा मित्र भाई बहन भी होंगे, अब उनकी एज भैया आपसे ज्यादा होगी, किसी की भैया 40 साल एज हो सकती है, किसी के दोस्त 50 साल भी एज हो सकती है, तो आप अंदाजा लगाए कि आपसे कितने बड़े बड़े लोग पेपर देने जाएंगे, मतलब उम्र में आपसे कितने ज्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस होल्डर है। ठीक है, तो जो आपके हो सकता है एग्जामिनर वहां जो टीचर लगे हो सकता है कि उनकी एज भैया आपसे भी कम हो, तो इसीलिए दोस्त ये जो पेपर होता है यूपी टेट सी टेट या कुछ भी, अब तो सी टेट का पेपर ऑनलाइन हो गया आपको जैसा कि पता ही होगा। ठीक है, तो देखते दोस्तों क्या अपडेट निकल कर आती, फिलहाल आपके सामने ये हम रख रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल का एडमिट कार्ड। ठीक है, इसको दोस्तों अगर आपने अगर ये पेपर दिया, अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेंगे तो आपको जूनियर शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, जैसा कि दोस्तों अभी वैकेंसी आती है 1894 शिक्षकों की भर्ती, जहां पर दोस्तों धांधली की बात लगातार सामने आ रही कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि 140, 145, 147, देखिए दोस्तों कुछ भैया रिजल्ट हो सकता है जिसको एडिट भी कर दिया गया हो। जी हाँ दोस्तों, आजकल एडिटिंग का भी दौर जारी है, बच्चे क्या करते हैं रिजल्ट को एडिट कर देते हैं। ठीक है, तो 1894 शिक्षक भर्ती दोस्तों, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। और आपका जो प्राइमरी लेवल का एडमिट कार्ड दोस्तों जारी होगा, वहां पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जन्म तिथि, ये सारी दोस्तों बातें लिखी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आपका भैया सेंटर कहाँ गया, परीक्षा केंद्र और जिले का नाम। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको देख लिया तो आपकी आधी टेंशन हो सकता है कि खत्म हो जाए, अगर सेंटर करीब बना तो। उसके बाद दोस्तों देखिए इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी, अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और टेट के ऑनलाइन आवेदन में लगाई गई फोटो वाला पहचान पत्र अपने साथ एग्जाम सेंटर ले जाना होगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में दिए गए जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां भी ले जानी होगी। अभ्यर्थी अपने साथ मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य गैजेट व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ लेकर ना जाए। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे होते जल्दबाजी में मोबाइल जेब में रह जाता है या कैलकुलेटर या अन्य कोई भी गैजेट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जरा देखिए, इसके साथ ही अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे परीक्षा के दौरान कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क पहनकर ही एग्जाम सेंटर आए। ठीक है दोस्तों, कोविड गाइडलाइंस का भैया पालन किया जाएगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा, और कोरोना के दोस्तों अगर अगली लहर आएगी तो ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो उससे हमें बच के भी रहना है। उसके बाद देखिए, परीक्षा देते समय कोई गलती होने पर अपनी कॉपी में व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें, अगर ऐसा दोस्तों किया तो आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं की जाएगी और आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा के खत्म होने के बाद अभ्यर्थी एग्जाम पेपर और आंसर शीट की कार्बन कॉपी अपने साथ घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा तो उसके बाद भैया ये सब चीजें आप अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों बड़ी बात थी, तो यहाँ बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। देखिए बिना रिजल्ट के काम क्यों नहीं हो पा रहा, हमने आपको बता दिया, कुछ बच्चों की बैक लगी रहती है तो वो बच्चे क्या करते हैं, अगर अटेस्ट ना कराना तो भैया रिजल्ट डाउनलोड करके उसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं, फेल कर जाएगा, पास तो करने लगता है और वो बच्चे आसानी से पेपर दे पाते हैं। तो गाइस कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगी, लगातार आप लोग हर एक अपडेट पर ध्यान रखते रहिए। आपको बता दें, अगर आपने दोस्तों यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो आप ये मान के चलिए कि भैया अधिकतर चांस यही कि आपको पेपर देने का मौका दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सेंटर तक पहुंचिए, तैयारी करके जाइए, ठीक है, ताकि दोस्तों वैलिड हो ना हो लेकिन आपकी तैयारी कितनी है वो आपको पता चले। अगर दोस्तों आपको 110 से ज्यादा नंबर आ रहा है, 125, 130, तो मान के चलिएगा कि भैया आप शिक्षक भर्ती के बेहद करीब आ चुके हैं, अगली भर्ती आएगी तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन उसमें पक्का हो जाए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि भैया टीचर की नौकरी इतनी आसान नहीं होती जितनी देखने में लगती है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, डीएलएड और बीएड छात्रों के लिए जो भी नोटिस आएगी उस नोटिस को हम आपके सामने, मोबाइल में दोस्तों हमने लिंक दे रखा है, भैया लिंक ना होता तो फिर दिक्कत होती, लिंक कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती की जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखेंगे, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।